हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम कल के क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये प्रूव करना था, टू कॉस थीटा इक्वल टू ये है, टू कॉस फाई इक्वल टू वाई प्लस वन बाई वाई। तो उसमें हमने एक पार्ट को प्रूव कर लिया था, दूसरा वाला पार्ट था हमें प्रूव करना था। एक्स की वैल्यू हमें मिले थी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, और इसमें से हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एम, एक्स मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एम, और कॉस की वैल्यू आई थी कॉस फाई प्लस आई साइन फाई टू द पावर एन प्लस, क्योंकि वैल्यू अपॉन में है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एम एंड तो ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस आई साइन फाई टू द पावर एम। यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये हो जाएगा कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस आई साइन, यहाँ एन फाई हो जाएगा साइन एन फाई कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एन फाई माइनस आई साइन एन फाई। क्लियर? हमें यहाँ लाना है ये वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आई साइन एम थीटा प्लस एन फाई, ये लॉ में था वहाँ पे, तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं डिमॉर्गन्स के, डिमॉर्गन्स थ्योरम की। तो कॉस एम थीटा प्लस एन फाई इसको एक साथ लिख सकते हैं, प्लस आई साइन एम थीटा प्लस एन फाई। उसी तरीके से यहाँ भी हम लॉ को यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, यहाँ चूँकि माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आई साइन एम थीटा माइनस एन फाई। क्लियर? यहाँ पे दो टर्म कैंसिल हो रहा है, एक ये और एक ये, और बाकी जो दोनों टर्म है वो दोनों सेम है, कॉस एम थीटा प्लस एन फाई कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, ये हो गया टू कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, और यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज टू कॉस एम थीटा प्लस एन फाई। इस तरीके से डिमॉर्गन्स डिमॉर्गन्स थ्योरम के आधार पे हम इसको आसानी से कर सकते हैं, एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर वाई और एन एम इंटू वाई टू द पावर एन, तो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं आराम से। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, सो दैट फर्स्ट वन प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन माइनस आई टू द पावर एन इज इक्वल टू 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 द पावर एन बाई टू प्लस वन इंटू कॉस एन पाई बाई फोर। हमें शो करके दिखाना है वन प्लस आई का पावर एन प्लस वन माइनस आई टू द पावर एन इक्वल दिस। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, वो है ए प्लस आई बी टू द पावर एम बाई एन ए माइनस आई बी टू द पावर एम बाई एन इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन टू एन इंटू कॉस एम बाई एन टैन इनवर्स बी बाई एन। तो
सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे दूसरा क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन प्लस आई टू द पावर एन कंसीडर कर लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन के। ये हमें दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वन प्लस आई, इसको हम पहले चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में। तो वन प्लस आई को हम कंपेयर कर लें आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से। तो हम चाह रहे हैं कि इसको हम पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा अगर हम कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आर कॉस थीटा इक्वल वन एंड आर साइन थीटा इक्वल टू वन। आर साइन थीटा इक्वल वन अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू टू। तो सिंपल आर हो जाएगा अंडर रूट टू। अगर यहाँ से फिर हम थीटा को फाइंड करें तो क्या मिलेगा, थीटा हो जाएगा सिंपली वन बाई रूट टू, यानी एक तरह से पाई बाई फोर। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वन प्लस आई इक्वल टू रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर। इस तरीके से हम वन प्लस आई को कन्वर्ट कर सकते हैं रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर। सिमिलरली वन माइनस आई को भी उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये आएगा रूट टू कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर। क्लियर? तो आसान है, जैसे हम उसको किए हैं उसी तरह से इसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पावर लगा हुआ है एन, तो हम उसे उठा लेते हैं। कंसिडर एच एस, ये है वन प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन माइनस आई टू द पावर एन। वन प्लस आई यानी रूट टू टू द पावर एन कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर टू द पावर एन प्लस रूट टू टू द पावर एन इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर टू द पावर एन। एन है ये हो जाएगा टू टू द पावर एन बाई टू। चाहे तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, और ये हो जाएगा कॉस कॉस एन पाई बाई फोर प्लस आई साइन एन पाई बाई फोर। और दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा कॉस एन पाई बाई फोर माइनस आई साइन एन पाई बाई फोर। टू एन टू द पावर टू एन बाई टू। यहाँ पे अगर हम रूल लगाएं, एडिशन वाला जो रूल था, ये हो जाएगा सिंपली कॉस यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस है। तो ये सिंपल सा दोनों क्वेश्चन कट रहा है यहाँ पे, साइन और साइन वाला। क्या बचा, टू कॉस टू टाइम्स कॉस एन पाई बाई फोर, और टू टू द पावर वन है ये, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये मिलेगा टू टू द पावर एन बाई टू प्लस वन इंटू कॉस एन पाई बाई फोर। तो पहला क्वेश्चन यही था, फर्स्ट पार्ट हमारा यही था, कॉस एन पाई बाई फोर टू टू द पावर एन बाई टू प्लस वन। तो काफ़ी आसान था। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद जो भी इसका पावर होगा, पावर लगाएंगे जितना भी हमें फाइंड करना होगा, एंड देन सॉल्व करेंगे ये आंसर होगा। उसी तरीके से हम दूसरे सेक्शन को कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। इसको अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट
इसको कंसिडर कर लेते हैं ए प्लस आई बी को, ए प्लस आई बी, तो हमें क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा से हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ए, और आर साइन थीटा हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे दोनों टर्म को, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, सिंपली आर स्क्वायर, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ, अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो इसमें से इसको डिवाइड करना होगा, यानी हमें करना होगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम पहले रख लें तो b अपॉन a, क्लियर, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, ये होगा b अपॉन a, फिर इसको लिख सकते हैं r r कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू b वाई, एंड दिस विल गिव अ थीटा इक्वल tan इनवर्स b वाई, क्लियर। तो r की वैल्यू ये है और थीटा ये है, तो हमें मिल गया इसका पोलर फॉर्म ए प्लस आई बी इक्वल टू आर, आर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ और कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ बी हो जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। तो इसको देख के हम आसानी से लिख सकते हैं कि इसका एक पावर ये है m बाई n क्वेश्चन के अनुसार, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी टू द पावर m बाई n इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर m अपॉन 2n, ये हाफ पहले से था और m बाई n पावर लगाएंगे तो m अपॉन 2n, यह हो जाएगा कॉस कॉस टैन इनवर्स बी बाई ए प्लस आई साइन टैन इनवर्स बी बाई ए, बी बाई ए टू द पावर एम बाई एन, ये एम बाई एन फिर डिनोमिनेटर थ्योरम से हम यहाँ लिख सकते हैं एम बाई एन, तो नेक्स्ट लाइन हमारा यही होगा m बाई एन अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम बाई टू एन कॉस एम बाई एन टैन इनवर्स बी बाई ए प्लस आई साइन हो जाएगा आई साइन एम बाई एन टैन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है, एम बाई एन है बट डिनोमिनेटर थ्योरम से एम बाई एन यहाँ पे आएगा, ये हो गया ए प्लस आई बी टू द पावर एम बाई एन, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले सकते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस ए आई बी एम बाई एन, और इसको हम लिखेंगे सिमिलरली, इतना अगर सॉल्व किए हैं तो इतना सिमिलरली तो लिख ही सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम टू द पावर टू एन कॉस एम बाई एन इंटू टैन इनवर्स बी बाई ए माइनस आई साइन एम बाई एन टैन इनवर्स बी बाई ए, क्लियर। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड करना मीन्स हम ऐड करेंगे किसको, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं इसको इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के कॉमन में एक ही चीज़ है, ये कॉमन होगा और ये कट जाएगा और ये दोनों
टू टाइम्स हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली फाइनली हमको मिलेगा टू प्लस आई बी टू द पावर एम बाई एन प्लस ए माइनस आई बी टू द पावर एम बाई एन इक्वल टू टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन टू एल इंटू कॉस, यही पूरा आएगा एम बाई एन टैन इनवर्स बी बाई, यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे जो दूसरा वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके के आप काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन जो भी उसका पावर दिया होगा उसको लगाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो करेंगे, लास्ट में हमें रिजल्ट मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में और देन उसके बाद लॉगरिथम वगैरह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।